भारतीय जनता पार्टी की प्रीत बिहार निगम पार्षद बबीता खन्ना ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्वास्थ्य समिति की बैठक में विवादित बयान दिया है। बबीता खन्ना ने बैठक में कहा कि प्रीत बिहार क्षेत्र में अतिक्रमण के लिए खास समुदाय के लोग जिम्मेदार है। बैठक में अतिक्रमण का मुद्दा उठाते हुए बबीता खन्ना ने कहा कि क्षेत्र में रेड़ी पटरी वालों ने कब्जा कर रखा है। V3S मॉल के पास बने पिंक टॉयलेट के आसपास भी आधा दर्जन से ज्यादा रेड़ी पटरी वालों ने कब्जा कर दुकान लगा दी है। बबीता खन्ना ने कहा कि इसके लिए एक खास समुदाय के लोग जिम्मेदार है। मुस्लिम थे, क्योंकि वो जो मीट बेच रहा था, जो चिकन बेच रहा था, वो मुस्लिम ही था। रिकॉर्ड है मैडम, जो आपने बोला है वो रिकॉर्ड। मैं अभी भी बोल रही हूँ कि वो मुस्लिम ही था जो मीट बेच रहा था, जो चिकन बेच रहा था। लेकिन उसके अलावा जो अतिक्रमण है, क्या इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम जिम्मेदार है? नहीं, मेरा कहने का ये मतलब था कि वहाँ पिंक टॉयलेट के बाहर जो भी खड़े हुए थे, जो रेडी लगा के खड़े थे, मीट चिकन जो ये बेच रहे थे, ये सब मोमडन लोग थे। ये नहीं कि सारे सातों आठों रेडिया मॉमडन्स की थी। आपने कहा तो ज्यादा चौखा वाला बंद थी दुकान, उसकी रेडी जरूर पड़ी थी, लेकिन वो खड़ा नहीं हुआ था। और जितने भी वहाँ पर स्टॉल लगे हुए थे, वहाँ कोई खड़ा नहीं था। जो दूसरी दुकान थी, सिर्फ यहाँ पर ये जो मटन चिकन वाले थे, ये खुली हुई थी और ये खुले में बेच रहे थे, इसलिए मैंने बोला। इस मामले पर विपक्ष की पार्षद गीता रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, हिंदू मुस्लिम करना। उन्हें काम से कोई लेना देना नहीं है। वह अपनी नाकामियों का ठीकड़ा हिंदू मुसलमान करके फोड़ना चाहते हैं। इस मामले में स्वास्थ्य समिति के चेयरमैन कंचन महेश्वरी ने कहा कि क्षेत्र में अतिक्रमण के लिए एक खास समुदाय को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। अतिक्रमण में सभी शामिल है। नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही ये नीति अपनाई है उन्होंने कि जहाँ कोई बात हो और जहाँ कुछ उनसे नहीं हो पा रहा है, वो लास्ट में हिंदू मुस्लिम कर देते हैं उस बात को। वो हमेशा से हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना चाहते हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं। अगर अतिक्रमण बढ़ाए तो पिछले 15 साल से आप क्या कर रहे हो निगम में? अगर आप एक अतिक्रमण हटा नहीं पा रहे हो तो आपको तो निगम छोड़ देना चाहिए। बजाय आप अपनी गलतियों को मतलब सुधारने के, आप उल्टा हिंदू मुस्लिम करके कि मुस्लिम समाज वहाँ पे रेडी लगा रहा है, ये क्या बात हुई? क्या हर समाज के व्यक्ति को हक नहीं है अपना रोजगार करने? आपको पता है कोरोना का टाइम है, किसी भी व्यक्ति के पास आज रोजगार नहीं है। अच्छे से अच्छा व्यक्ति आज मजबूर है रेडी पटरी लगाने के लिए। तो आप उसको व्यवस्थित तरीके से कराएं, उसको जगह दें, उसको व्यवस्थित तरीके से लाएं, ना कि आप ये कहें कि नहीं जी फलाना समुदाय आके वहाँ पे इंक्रोचमेंट कर रहा है। आप साफ और साफ अपनी जो आपकी वो है, आप कुछ करना नहीं चाह रहे हैं और उल्टा अपनी जो नाकामी है उसको हिंदू मुस्लिम के पीछे छुपा रहे हैं। नहीं, ऐसा कहीं पे भी संभव नहीं होता। मैं किसी ऐसे इस बात का समर्थन नहीं करती। धर्म विशेष को हमें नहीं जोड़ना चाहिए। हम जनता की सेवा के लिए हैं। हमें निश्चित रूप से काम पे अपना ध्यान देना चाहिए। अतिक्रमण में ये कोई भी नहीं है कि कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। कोई जात नहीं पूछ रहा किसी से, कोई किसी का मजहब नहीं पूछ रहा। हमें अतिक्रमण को कम करना है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।